किस तरह से आप सऊदी अरब से आए हैं और हमारे डॉक्टर ने किस तरह से ट्रीट किया आपको? तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से हेल्थ विभाग जगह जगह पे चेकिंग कर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपको अच्छा रिस्पांस मिला? आप भी अपने घर जाने से पहले चेक करवाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से सलानी ब्रिज में आपने एक चौकी बना के रखी है, आने जाने पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, और आज एक पेशेंट सऊदी अरब से आया है, आपने उसको कवर किया है और उसका टेस्ट करने जा रहे हैं, तो कितनी मुश्किल आती है कि आपको ट्रेस करना पड़ता है कि कौन बाहर से आया है? कोविड हेल्थ चेक पोस्ट सलानी पिछले जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है 24 मार्च से कंटिन्यू यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी ने ये जो हमारा जो कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हमें दी हुई हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, फ़ैन हैं, और काफ़ी सारी जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है टाइमली हमें डीसी साहब यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। और रहा मसला ट्रैकिंग का, तो जो भी मतलब बाहर से आने जाने वाला हम उस पर कड़ी नज़र रखते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस, जो हमारे जो पुलिस ऑफिशियल जो यहाँ पे नाका पे ड्यूटी पे होते हैं, तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पर अपनी जो मतलब ड्यूटी हमारे साथ कंटिन्यूसली यहाँ पे रखते हैं, और जब भी कोई बाहर से कोई ऐसा बंदा भी आता है तो हम प्रॉपर्ली उसको ट्रैक करके तो उसको अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं कि सबसे पहले आप अपना टेस्ट करके ही आप अपने घर में जाओगे, ताकि कोई ऐसी इन्फेक्शन आप अपने साथ लेके घर में ना जाओ जिससे आपके घर वालों को सभी को प्रॉब्लम हो जाए। डॉक्टर साहब, पर डे कितनी सैंपलिंग कर लेते हो? ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 300 प्लस का टारगेट होता है, तो BMO मंजाकोट सर हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो उसी जो हमारी जो यहाँ पे टीम है ये 10 बजे यहाँ पे स्टार्ट कर लेती है, तो 1-2 बजे तक हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो कितने पॉजिटिव यहाँ केस आए हैं? अब इसका पॉजिटिव केस का फ्लो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी टेक्निक से इसके ऊपर काम किया है, मास सैंपलिंग यहाँ पर की गई पूरी सिटी में, और 2-4 दिन का यहाँ पे लॉकडाउन भी रखा गया जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फर्क पड़ गया हुआ है। अब तो मतलब बहुत कम पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कोई ज़्यादा ही कोई किसी के कोई कॉन्टैक्ट में होता होगा, वैसे जनरल अब कोई ऐसा नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग इसको बड़ी बीमारी लेके बैठ गए हैं, ये इन्फेक्शन है, तो आप बताएंगे कि क्या क्या एहतियातन करें ताकि ये इन्फेक्शन दूर हो सकती है? देखो, इसमें एहतियातन जितने भी SOPs गवर्नमेंट ने इशू की हुई हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, हम जो जनरल पब्लिक है सबको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अपने हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज करने चाहिए, ग्लोव्स मास्क का ज़्यादा खास तौर पर ज़्यादा मास्क का यूज़ करेंगे ही तो उससे जो इन्फेक्शन है इसको रोका जा सकता है। तो बाकी जनरल अपनी हाइजीन कंडीशन का भी अपना ख्याल रखना है, और अम्यूनो बूस्टर का यूज़ करना चाहिए ताकि जिससे हमारी अम्यून सिस्टम मजबूत रहे और ये इतना इस पर हावी ना हो सके। बताइए, जिस तरह से आप 1 हफ्ता पहले पॉजिटिव थे, आज नेगेटिव आए हैं, तो क्या कहेंगे लोगों को? सर, मेरा नाम फजल हुसैन राही है, मैंने खुद आकर के टेस्ट कराया था। बेसिकली मैं एक पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गया था और मुझे डाउट आ रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं किसी को अपने कहीं मतलब और ख़राब करूँ, तो मैंने अचानक ही आकर के टेस्ट कराया। जब मैंने टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव आ गया, तो मुझे आज 8वां दिन है, मुझे सिम्टम कोई नहीं थे, मैं एसिम्प्टोमेटिक था। आज मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया कि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ तो मैं क्या अपना टेस्ट करा सकता हूँ। आज मैंने अपना टेस्ट कराया, फिर से मैं नेगेटिव आ गया हूँ, RT-PCR भी मेरा मैंने भेजा है और रैपिड भी, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक संदेश ज़रूर मैं दूंगा
कि हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं, हम अपने सिम्टम्स छुपाते हैं, अगर कंटैक्ट में आ जाएं तो हम किसी को बताते भी नहीं हैं, और इसी वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अगर इस चैन को तोड़ना है तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन एक पढ़े लिखे होने की हैसियत से मेरी तरह फिल फोर आइए, टेस्ट करवाइए, और जिस हालत में आप हों, चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, SOP को अडाप्ट करिए, घर में रहिए, और ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूर मुश्किल पड़ सकता है, और वो दूसरों के लिए भी मुश्किल कर सकता है जो लापरवाही बरतेगा। तो मैं मेडिकल टीम का थैंक्स करता हूँ कि इनका ज़बरदस्त कोऑपरेशन है, ये अपनी जान को खतरे में डाल कर के भी हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी लापरवाहियों की वजह से ये भी परेशान होते हैं और हम लोग भी परेशान होंगे। तो मैं आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक आपको ग्राउंड लेवल की बातें बताता है। जी हाँ, आज हमने जो सलानी ब्रिज में COVID-19 चेक पोस्ट जो है लगी हुई है, और यहाँ पर रैपिड टेस्ट किए जाते हैं, और रोज़ाना जो है 300 के करीब रैपिड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। और आज की बात करें तो आज 300 के ऊपर टेस्ट हुए, जिसमें प्रॉपर जो है सभी नेगेटिव आए, 300 टेस्ट हुए और 300 ही नेगेटिव आए। ये हमारे म्यूनसिपलिटी हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी बात है। और बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ चौकी है COVID-19 की, यहाँ जितने भी डॉक्टर, अगर डॉक्टर की बात की जाए, बेड फोर्स की बात की जाए, तो प्रॉपर आने जाने पर ध्यान रख रहे हैं। और एक बात और कहेंगे कि डॉक्टर तायर जो कि ख़ास तौर पर जो ट्रैवलर लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका टेस्ट करते हैं। और आज एक उस व्यक्ति से हमारी बात हुई जो 7 दिन पहले पॉजिटिव था, और उसने बोला कि कोई डरने की बात नहीं, मैं 7 दिन पहले किसी पॉजिटिव के समक्ष आया था तो मुझे भी पॉजिटिव हो गया था, और आज मैंने टेस्ट करवाया है, नेगेटिव आया है। ऐसे है कि साफ सफाई रखना, सैनिटाइज करना, और अपने घर से दूर रहना, घर वालों को लिप्त नहीं करना। और जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा आपको जो है ग्राउंड लेवल की बातें बताता है। आज सलानी ब्रिज की बात करें तो 300 कोविड टेस्ट हुए हैं, रैपिड टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 300 जो है नेगेटिव पाए गए। और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये चेक पोस्ट बनाई है, मैं तो कहता हूँ कि ये एंट्री पॉइंट पे चेक पोस्ट है, और सारे आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जाती है, और टेस्ट के बिना कोई भी जो है अंदर नहीं जाता, और जो पॉजिटिव होता है उसे निर्देश जारी किए जाते हैं, SOP की उल्लंघना जो करता है उसे जो है फाइन भी किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी जो कि जहाँ जहाँ COVID-19 की चेक पोस्ट हैं वहाँ पे जो उन्होंने बेल्ट फोर्स तैनात की हुई है, और लोग भी धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि COVID-19 का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और लोग जिस तरह से शुरू में पैनिक होते थे, आज हमें खुलकर बाहर नज़र आए टेस्ट करवाते हुए, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, इससे आपको भी अपने शरीर भी बचेगा और दूसरों की जान भी बचेगी। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।